आजकल ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो सुनकर दिल घबराता है कि आखिरकार ये क्या सच हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हमारे साथ सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए रविंद्र राणा जी मौजूद होंगे। रविंद्र राणा जी, किस तरह से देखते हैं जो इस समय मिलिटन के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है, किस तरह से देखते हैं? किसी आतंकवादी के बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं है। 2008 में जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस वक्त ये एनसी और कांग्रेस वालों ने एक एमएनएसटी लाई थी दहशत गर्दों के लिए, आतंकवादियों के लिए, और आज की डेट में कोई ऐसी स्कीम नहीं है। उस वक्त दिल्ली में सोनिया गांधी की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और उस वक्त इन्होंने जब कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे दिल्ली में और सोनिया गांधी की सरकार थी, उस वक्त ये स्कीम लाई थी। आज कोई ऐसी स्कीम नहीं है। कितना प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया इस पॉलिसी को रिवोक करवाने के लिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि उस समय कांग्रेस ये स्कीम अब नहीं है, किसी आतंकवादी को किसी प्रकार से यहाँ कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। स्कॉलरशिप उन लोगों को मिलती है जो आतंकवादियों के हाथों, जो बेगुनाह लोगों की हत्या होती है, उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को। अभी तक आपने कितने ऐसे लोगों को दिलवाई, अभी तक ऐसे लोगों को कितने लोगों को दिलवाई? क्योंकि अभी तक बात की जाए, किसानों के बच्चों को मिलनी चाहिए, नहीं मिली। पीएचई वर्कर्स के बच्चों को मिलनी चाहिए, नहीं मिली। वो बच्चे, उनकी जरूरत है, उनको नहीं मिल रही। एक SRO 43 होता है, उसके तहत या ऐसे SRO उनके लिए लागू क्यों नहीं होते? या कहीं कोई सरकारी मुलाजिम है, उसके परिवार में किसी की डेथ हो जाए या दहशतगर्दी का शिकार हो जाए तो उसके फैमिली मेंबर को जॉब मिलती है, या कहीं आतंकवादी घटना में किसी की डेथ होती है, लेकिन आतंकवादी घटना में, आतंकवादियों के लिए नहीं, आतंकवादी घटना में अगर किसी बेगुनाह की हत्या होती है, उसके परिवारजनों को सरकार नौकरी दे सकती है, उसका प्रोविजन कानून में है। आतंकवादियों के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सरेंडर पॉलिसी लाई थी जिसका हमने विरोध किया था, हमने नहीं लागू होने दी थी। ये एमनेस्टी स्कीम कांग्रेस ने 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चोरी छिपे लाई थी, जिसको हमने बंद कर दिया। किसी आतंकवादी को, उसके परिवार को किसी प्रकार का अनुदान ना है, ना हम लेने देंगे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं। कोई बच्चे मुझे नहीं है, कोई नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती, कोई आतंकवादी जो है, आतंकवादी 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 होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है जो पाकिस्तान जाएगा, बंदूक उठा के आएगा, बेगुनाह लोगों की हत्या करेगा, उसकी कोई आरती उतारेगा? कोई नहीं आरती उतारेगा। तो फिर ये बातें कहां से आ रही हैं कि अभी स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को? कोई स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप है उन लोगों को जो आम जनता के हैं और जो इस दहशतगर्दी का शिकार हो गए, जो इस आतंकवाद का शिकार हो गए, पाकिस्तान की इन बंदूकों का जो आम जनता, आम लोग, जिनका इस आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, अगर वो कहीं कोई शिकार होता है, उसके लिए एक राहत एक्स ग्रीशिया सरकार देती है। आप MLA रहे, असेंबली में गए, आपने कितनी बार इस बात का विरोध किया कि ये पॉलिसी जो है वो रिवोक होनी चाहिए, बच्चों को नहीं स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए? तब तो कोई बात ऐसी नहीं उठी। आप लोग सरकार में रहे तब तो ऐसी कोई बात नहीं उठी। अब ऐसा क्या हो गया कि अब आप सीधा ही नकार रहे हैं? मतलब अगर कहते हैं ना, कहीं अगर आग लगी है तभी धुआं जो है वो उठता है, या आखिरकार धुआं कहाँ से उठ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसका मतलब अभी ना कहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो हैं। किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनके लिए, बट उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं है। बॉर्डर पे जो है हमारे भाई जो हैं वो मर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मैं हम बॉर्डर पे उन भाइयों की बात कर रहे हैं जिनका घर वहां पर है, वो मर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं है। पर आखिरकार हम फिर बात वहीं पे ला के रखेंगे, उनके लिए क्यों जो हमारे देश के जवानों को शहीद कर रहे हैं? जिले में MLA हणा ओले कटासा फेरिया असेंबली छे, वो क्या बोला था? बोला ना कटासा फेरिया, कटासा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਾਲ ਚੌਕ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਟਾਸਾ ਫੇਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਿਆ BJP ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਈ ਦੇਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ,
कोई नहीं रही सकता। देश के लिए बात सबसे ज्यादा यही होती है कि युवा जो है, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। हाँ? और इसको हम सब मानते हैं जी जी, बट वो सारे सड़कों पर है। नहीं नहीं, देश की रीढ़ की हड्डी सड़कों पर। हमारे खेल फिजिकल टीचर महीने का 3,000 रुपया ले रहे हैं। SRO 202 मकाई उड़िया, वो आपने किया? ओ हाँ, असे पक्का डोमिसाइल नया अच्छा लाई उड़िया, 10,000 नौकरियां एडवर्टाइजमेंट करी उड़ियां। तो GAD वाली जितनी पहले थी वो सारी उड़ा दी। सुनो ना, जेके बैंक GAD वाली फिर वो सारी क्यों उड़ाई? वो रहने देते ना जी, ये 10,000 और आती है वो रहने देते, वो आपने उड़ा दी, वो तो खत्म कर दी। सुनो, जेके बैंक च भी एडवर्टाइजमेंट करी उड़ियां, जय जयकार हुआ दी है, हर जगह जय जयकार हुआ दी है। जो सिर्फ जय जयकार क्यों सुनाई देती है? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर बैठे हैं, वो क्यों नहीं सुनाई दे रहा? वो भी सुनाई देता है, उनका भी मसला हल करने हैं, थोड़ी परेशानियां भी सारी हल करके जल्दी करी उड़नी है। जल्दी मसले सुलझा दिए जाएंगे, पर आखिरकार कब तक, क्यों? उनके लिए जिनके लिए बात होनी चाहिए उनके लिए कोई बात नहीं होती जनाब, ना कोई बात करना चाहता है। बट सबसे बड़ी बात कि इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे देश का युवा सड़कों पर उतर गया है, जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर उतर गया है, बट फिर भी उनके लिए बात हो जाएगी। बट जो खुद किया, असल में तो वैसे हम बातें बात को मानेंगे वो युवाओं ने किया, बट इन्होंने बोला कि हमने किया, हर एक बात को हमने किया। जब इन्होंने कर दिया तो फिर मतलब कि देश के युवा ने तो कुछ किया ही नहीं ना, देश का युवा तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहा। तो रहबरे जो अभी हमने रहबरे खेल के बारे में आपको बताया, वो क्या कर रहे थे? खिदमत सेंटर वाले क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स क्या कर रहे थे? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।